रहा तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो तेजाद है वो उसको बरकरार, फिर आप तीन बार दबेंगे और आप बगैर तरीके विकेट गवा सकते हैं। एक दो तीन चार बोल के हैं, दो से बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कि आपके साथ दूसरा ऐसा शख्स है जो कि इससे बातचीत है, कंपटीशन देने के बाद दो एक मिनट में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे आप, और आम हालात में अगर एक ही अमल है तो वो आसानी से दिया जा सकता है। स्वास्थ्य मैं नितिन भी कांग्रेस शाख आंध्र प्रदेश हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हमारी ऑल इंडिया नितिन भी कांग्रेस की जानिब से ये फर्स्ट एड फ्री फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, जिसमें ये बताऊन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से हमारे साथ तआवुन हुआ है। और आजकल के जो हालात है हैदराबाद में, लोग पहली तिब्बी इमदाद को भूल चुके हैं, तो अक्सर हादसात में घर में कोई भी कहीं भी कोई हादसात होते हैं तो उसके वास्ते पहली फर्स्ट एड जो दी जाती है वो कैसे किया जाता है, जिससे मरीज़ की सेफ्टी और उसे जल्द से जल्द दवाखाने को पहुँचाया जाता है, उस ताल्लुक से हम फ्री कैंप रखे हैं और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। हमारी जमात काफ़ी इसी ताल्लुक से काम करती है और यूनानी हेल्थ फ्री हेल्थ कैंप भी इंशाल्लाह आगे ऑर्गेनाइज करने का इरादा है। और मैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मुहम्मदुल्लाह शरीफ साहब, जो मरकजी नायब सदर ऑल इंडिया न्यू तिब्बी कांग्रेस है, वो डॉक्टर सैयद अजहरुल्लाह एमडी एमबीबीएस एमडी और